आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे उलझा हुआ सवाल है और काफ़ी डिफिकल्ट सवाल भी है, सवाल ज़्यादा आसान है, तो चलिए इस सवाल को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह क्लियर करेंगे अर्थ में या अर्थ पर रहने का मतलब क्या है। जब हम अर्थ में रहने की बात करें, इसका मतलब जब हम अर्थ की रेडियस की बात करें, जहां हम लोग जीरो एंगल में रहने की बात करते हैं, यानी अर्थ में उसकी करोड़ के अंदर की बिंदु की बात करते हैं, यानी कि हम वहाँ नहीं रह सकते। धरती को जब हम चीर फाड़ देते हैं तो रेडियस पर जा, क्योंकि वहाँ रहना ज़्यादा संभव नहीं। हम लोग रेडियस पर पहुँच जाएँ तो वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रहना संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गर्म मात्रा में पिघला हुआ लोहा है और हम लोग वहाँ पर रह नहीं सकते। इसलिए हम लोग कह सकते हैं हम लोग अर्थ में नहीं, अर्थ पर रहते हैं। जब हम लोग आकाश में देखते हैं तो एक फुटबॉल की आकार का जैसा घूमता हुआ नज़र आता है, जैसे इमेज, वीडियो, फोटो, हम लोग कह सकते हैं फुटबॉल गेंद की तरह है। लेकिन हम लोग जब फुटबॉल पर कोई चीज़ रखते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। ये गोल आकार की पृथ्वी पर है तो हम लोग क्यों नहीं गिर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते। यहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण हम लोग इस पृथ्वी पर रुके रहते हैं या बने रहते हैं। वैसे अर्थ के अंदर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि हम लोग नीचे की ओर खींचे जा सकते हैं, ना हम लोग इधर से गिर पाते हैं ना उधर से कुछ हो पाता है। यहाँ ऊपर और नीचे गिरने का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए एकदम बॉल की आकार का जैसा नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट भी दिखती है। हम लोग पर्वत, पहाड़, पठान, मैदान, यहाँ पर सब कुछ है। स्ट्रेट लाइन भी दिखता है जब हम लोग अपनी आँखों से दिखते हैं, स्ट्रेट लाइन कोई सरल रेखा में नहीं होता है। जब हम अर्थ से बाहर अंतरिक्ष में देखते हैं तो कुछ इस तरह दिखाई देता है, एकदम गोल गेंद की तरह, लेकिन यह ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है।